मात्र 10 मिनट के लिए इसे अपने बालों पर लगा लीजिए। बालों का टूटना झड़ना हमेशा के लिए इतनी जल्दी बंद हो जाएगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने बालों का टूटना झड़ना रोक सकते हैं। गाइज, आजकल बहुत ही बड़ी समस्या चल रही है, लड़के लड़कियों के कम एज के अंदर ही बाल टूटने शुरू हो जाते हैं। और गाइज, ये बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि एक बार आपके बाल टूटने झड़ने शुरू हो जाते हैं तो ये कंटिन्यू होते रहते हैं, और जिसकी वजह से आपका सर गंजा हो जाता है या फिर आपके सर के बाल बहुत ही ज़्यादा हल्के हो जाते हैं। गाइज, बहुत ही बड़ी समस्या का विषय है ये। आप काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करते रहते हैं ताकि आपके बाल टूटने झड़ने बंद हो जाएं, लेकिन आपको इसका सोल्यूशन नहीं मिलता है, और गाइज आप बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कैसा कारगर नुस्खा बनाएंगे, जिसके मात्र 3-4 बार के इस्तेमाल से ही आप अपने बालों का टूटना झड़ना हमेशा के लिए रोक पाएंगे, अपने बालों को सिल्की काला घना बना पाएंगे। और गाइज, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो भी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं बहुत ही नेचुरल हैं और आपके बालों में 100% वो वर्क करती हैं। और गाइज, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप बेफिक्र होकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइज, बने रहिए इस वीडियो में, इस वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि आपके जो बालों के टूटने झड़ने की प्रॉब्लम है वो 100% खत्म हो सके और आपके बाल हमेशा शाइनी सिल्की व घने बने रहें। गाइज, इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि आपको ये वीडियो सही से समझ आए। और गाइज, आपसे एक रिक्वेस्ट भी, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गाइज, 3-4 चीज़ों की मदद से हम इसे बनाने वाले हैं। मैं पहली गाइज चाय पत्ती, आपको सिंपली करना ही है कि चाय पत्ती लेनी है और कम से कम 1 चम्मच चाय पत्ती, लगभग इतनी चाय पत्ती आपको एक साफ कटोरी में ऐड कर लेनी है। गाइज, चाय पत्ती के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके बालों की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसके अंदर काफ़ी सारे विटामिन्स होते हैं जो बालों की केयर करते हैं, बालों का टूटना झड़ना रोक सकते हैं और आपके बालों का घना होने में ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और गाइज, दूसरी चीज़ जो आपको इसके अंदर ऐड करनी है वो भी बहुत नेचुरल है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपको सिंपली दही ले लेनी है और 1 चम्मच से ज़्यादा दही इसके अंदर ऐड कर देनी है। ये देखिए गाइज, लगभग 1.5 चम्मच के बराबर दही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। गाइज, दही के अंदर वो सारी खूबियाँ होती हैं जो आपके बालों को सिल्की बनाती है। जो भी लोग दही का इस्तेमाल अपने बालों पर करते हैं उनके बाल सिल्की व काले बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। और गाइज, दही बहुत फायदेमंद होती है आपके बालों के लिए, टूटना झड़ना भी रोक सकती है और आपके बालों को घना करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, और जो आपके बालों में डैंड्रफ होता रहता है वो डैंड्रफ को भी दूर रखती है। अब गाइज, तीसरी चीज़ जो आपको इसके अंदर ऐड करनी है वह गाइज विटामिन ई कैप्सूल। आपको सिंपली एक विटामिन ई कैप्सूल इसके अंदर ऐड कर देना है, 600 mg का कैप्सूल है मेरे पास, आपको इसे इसके अंदर ऐड कर देना है। ये मैंने एक विटामिन कैप्सूल भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इस नुस्खे को कंप्लीट करने के लिए आपको लास्ट चीज़ जो इसके अंदर ऐड करनी है वो गाइज नींबू। आपको सिंपली एक नींबू ले लेना है और उसका 1/2 चम्मच के बराबर रस इसके अंदर ऐड कर लेना है। तो इसलिए गाइज नींबू का रस भी इसके अंदर ऐड करते हैं। ये देखिए गाइज, नींबू का रस भी इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। गाइज, नींबू आपके बालों पर जो डैंड्रफ होता है उसे रिमूव करेगा, आपके स्कैल्प को साफ करेगा, जिससे कि नुस्खा आपके बालों में अच्छे तरीके से वर्क कर पाएगा। और नींबू के अंदर विटामिन सी होता है जो आपके बालों को जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि टूटना झड़ना होता है, उनके ऊपर जो रूसी होती है, डैंड्रफ होता है, उसे बहुत अच्छे तरीके से रिमूव करता है। अब गाइज, आपका नुस्खा बनकर तैयार हो गया, तो चलिए पहले इसे मिक्स करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको उसको अपने बालों में अप्लाई करना है। गाइज, जब आप इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे तो आपको इसे कम से कम 5 मिनट तक रखे रहने देना है। उससे होगा ये कि जो भी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड की हैं वो 100% आपस में मिक्स हो जाएंगी और आपके बालों में अच्छे तरीके से वर्क कर पाएंगी। ये देखिए गाइज, मिक्स होने के बाद ये कुछ इस तरह का पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा, जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब गाइज, नुस्खा बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, जैसे कि आप देख चुके हैं। अब इसे अपने बालों में अप्लाई करना है वो भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको सिंपली करना ये है कि नहाने से 1/2 घंटा पहले आपको उसको अपने बालों में अप्लाई करना है। आपको सिंपली अपने फिंगर में लेके कुछ इस तरीके से अपने बालों की जड़ों में अच्छे तरीके से आपको मसाज करते हुए इसे लगा लेना है, कुछ इस तरीके से। और गाइज, कम से कम 5 मिनट तक आपको मसाज करनी है ताकि आपके बालों की जड़ों में अच्छे तरीके से समाए। और गाइज, कम से कम 1/2 घंटे तक आपको इसको अपने बालों में लगा रहने देना है। इससे होगा ये कि आपके बालों की जड़ों में अच्छे तरीके से समाएगा और अच्छे तरीके से वर्क कर पाएगा। गाइज, आपको हफ्ते में कम से कम 3 बार इसको इस्तेमाल करना है, 1 दिन छोड़कर 1 दिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बार के बाद आपको इसका रिजल्ट दिखाई दे जाएगा, आपके बाल सिल्की शाइनी हो जाएंगे और थोड़े बहुत आपके बाल टूटने भी बंद हो जाएंगे। और गाइज, मात्र 3 बार के इस्तेमाल से ही जो आपके बाल सालों से टूट रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, वो आपके बाल टूटने झड़ने बंद हो जाएंगे और आपके बाल बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। और गाइज, एक बार आपके बाल टूटने झड़ने बंद हो जाएंगे तो आपके बालों की ग्रोथ भी बहुत ही तेज़ी से होने लगेगी, जिसकी वजह से आपके सर पर बहुत ही ज़्यादा घने काले लंबे बाल हो जाएंगे। सो गाइज, अगर आपको भी ऐसी ही प्रॉब्लम है, आपके बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं और आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, तो आप इस नेचुरल नुस्खे को ट्राई कर सकते हैं। हमने इसे ट्राई किया था और हमें इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला था। मात्र 3-4 बार के इस्तेमाल से ही जो हमारे बाल टूट रहे थे, झड़ रहे थे, वो बिल्कुल बंद हो गए थे। और गाइज, कुछ ही दिनों में बाल सिल्की के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा घने भी हो गए थे। और गाइज, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, क्योंकि हमने इसे ट्राई किया हुआ है और जो भी चीज़ हमने इसके अंदर ऐड की।
बहुत ही नेचुरल हैं और बालों पर बहुत ही ज़्यादा वर्क करती हैं। सो गाइस आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको ये नुस्खा पसंद आया तो इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। आपको इसका कैसा रिजल्ट मिला है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और गाइस अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।